और छत्तीसगढ़ प्रदेश की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शरद पांडे के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी सक्रिय हो चुकी है, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने उनके विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा भी की है। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष मोहन पासवान, हेमा वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश कार्यकारिणी का जो मीटिंग है, प्रदेश कार्यकारिणी और संसदीय बोर्ड का ये मीटिंग है। आज के इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को लेकर के निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग किस सीट में चुनाव लड़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र पाटन से हमारे मुकेश वर्मा जी प्रत्याशी हैं, और युवा के प्रदेश अध्यक्ष जो हों कुखनलाल साहू हैं, तोमनलाल साहू, ये भी चुनाव पुनर्देही विधानसभा से लड़ रहे हैं। बिलासपुर से भी हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। आज संसदीय बोर्ड की मीटिंग में बाकी 29 सीटों का और फाइनल कर दिया जाएगा। आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर हम लोग अपने लिस्ट जारी करेंगे। आपके पीछे मैं शरद पांडे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हूँ।